कुदरत ने हर किसी जीव को कुछ ऐसे बॉडी पार्ट दिए हैं जिसे उसे जंगल में काफी निडर और ताकतवर बनाते हैं, जो समय आने पर उसे हर खतरे और खराब माहौल से भी बचाए रख सके। फिर भी कई ऐसे जानवर हैं जो अपने शरीर के अंगों और खासियतों की वजह से फायदा पहुंचाने के बजाय मुसीबत में ज्यादा डालते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ खास जानवरों की बात करेंगे जो अपने शरीर के अंगों से ही काफी परेशान रहते हैं। स्लॉथ। स्लॉथ अपना ज्यादातर समय पेड़ की टहनियों पर ही बिताता है और ये बेहद कम ही जमीन पर आता है। स्लॉथ की जीने की रणनीति काफी अजीब है। ये बहुत सुस्त जीवन जीता है। स्लॉथ का सुस्त जीवन उनके लिए मुसीबत है। कई बार ऐसे पक्षी और ऐसे जानवर स्लॉथ का आसानी से शिकार कर लेते हैं। स्लॉथ आक्रामकता से कभी अपना बचाव नहीं कर पाता। उनकी यह सुस्त रणनीति उसे मौत के कगार पर कई बार ले जाती है। स्लॉथ 20-20 घंटे एक ही जगह पर ठहर सकता है और ये बात कई जानवरों के लिए फायदे में होती है, क्योंकि स्लॉथ का शिकार उनके लिए आसान होता है बजाय दूसरे तेज जानवरों के मुकाबले। वाकई स्लॉथ का ये सुस्त जीवन जंगल में उनके लिए एक मुसीबत बन जाता है दूसरे जानवरों के मुकाबले। कछुआ। कछुआ का भी कुछ यही हाल है। देखिए तो कछुआ एक लंबे समय तक जी सकता है और दूसरी बात, उनका खोल कई शिकारियों से उसे बचाता है, पर यही खोल उसे कई बार मुसीबत में भी डालता है। जब कछुआ पलट जाता है तो उनका ये खोल उसे पैरों के बीच कोई जगह रहने नहीं देता। उसी वजह से ये कभी सीधे खड़े नहीं हो पाते। सीधे खड़े न होने के कारण ये कभी धूप में और दूसरे शिकारियों का ये आसानी से शिकार बन जाता है। ये खोल जिस तरह से उनकी रक्षा करता है, दूसरी तरफ ये खोल उनका जान का दुश्मन भी बन जाता है। खासकर ये दिक्कत बड़े कछुओं में बहुत ज्यादा होती है। बड़े कछुओं का खोल बड़ा होता है और गोल होने की वजह से उनके पैर जमीन पर नहीं पहुंच पाते। उनके पैर भी उस तरह से नहीं बने होते जिसे ये धक्का देकर खड़े हो सके। कछुओं का ये खोल जिस तरह से उनकी रक्षा करता है, दूसरी तरफ उनके लिए मुसीबत का कारण भी बन सकता है कुछ मामलों में। वेरू बाबिरुसा हमारे ग्रह के सबसे असामान्य प्राणियों में से एक है। बाबिरुसा सूअरों से काफी अलग होता है। इसकी पीठ का आकार मुड़ा हुआ होता है और उनके पैर भी काफी लंबे होते हैं सूअरों की तुलना में। सूअरों की त्वचा काफी कड़क और रूखी होती है, पर इनमें कोई भी फर नहीं होता। इनकी त्वचा काफी मुलायम होती है। ये शाकाहारी होते हैं और ज्यादातर इंडोनेशिया के जंगलों में दिखाई देते हैं। नर बाबिरुसा में नाक के पास केनाइन दांत उगते हैं जो उम्र के साथ काफी बढ़ते हैं। उगते हुए ये दांत कई बार उनके लिए देखने में भी दिक्कत करते हैं और माथे की हड्डी में भी ये धस जाते हैं, पर सौभाग्य से नरों के ये दांत खोखले होते हैं और लड़ाई के दौरान टूट जाते हैं। ज्यादातर ये दांत खोपड़ी से पहुंचने से पहले ही टूट जाते हैं। फिर भी कुछ मामलों में ये दांत बाबिरुसा के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। रेनडियर। रेनडियर की बात करें तो उनके सींग काफी मजबूत और ताकतवर होते हैं। ये शिकारियों से दूर रखते हैं और नरों की लड़ाइयों में भी ये काफी हावी होने के लिए मदद करते हैं। यहाँ से ही रेनडियर की दिक्कत शुरू हो जाती है। कई बार ये सींग आपस में उलझ जाते हैं और ऐसी जगह में भी ये उलझे रहते हैं जहाँ से ये निकल नहीं पाते। जंगल में कोई शिकारी इनका शिकार भी कर सकता है और जो पानी वाली जगह होती है या कोई दलदल वाली जगह होती है वहाँ भी ये फंस जाते हैं। कुदरत ने ये सींग को इस तरह से बनाया है कि ये काफी मुड़ावदार और झाड़ियों की तरह दिखते हैं। दो रेनडियर जब लड़ते हैं तो ये काफी उलझ जाते हैं और जोर लगाने के बाद भी ये नहीं निकलते। थकने के कारण रेनडियर की दुखद मौत हो जाती है। उलझे हुए इन रेनडियर को देख के ये जरूर मन में होता होगा कि शायद कुदरत ने इनके साथ थोड़ी नाइंसाफी जरूर की है। इन जंगली भेड़ों को सबसे बड़ा माना जाता है, जिनका वजन करीब 100 पाउंड से अधिक हो सकता है। इन भेड़ों के सींगों का आकार काफी डरावना और खतरनाक दिखता है। उनके ये मजबूत और खतरनाक सींग यकीनन खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रजनन के दौरान ये सींग नरों के लिए काफी अच्छा हथियार साबित होता है। इन ताकतवर भेड़ों के सींग कभी कभी इनके लिए मुसीबत भी बन सकते हैं। सींग जो आत्मरक्षा का एक शक्तिशाली हथियार है, कई बार ये भेड़ों में दर्दनाक और धीमी मौत का कारण भी बन जाता है। बढ़ते हुए सींग कई बार मुड़ने के दौरान उनकी खोपड़ी में धस जाते हैं। कई बार गलत तरीके से बढ़ सकते हैं, जो उनकी खोपड़ी की दिशा में ही बढ़ते रहते हैं। जब कोई सींग इनकी खोपड़ी में धस जाता है तो वहाँ पर कई गहरे घाव बन जाते हैं, जो परजीवी और मक्खियों के लिए एक आकर्षण का स्थान बन जाता है, जो एक स्तनधारी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है।
क्रिश नाम की एक भेड़ कई सालों तक ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भटकती रही, जहाँ तक इंसानों का ध्यान इस पर नहीं गया। एक भेड़ के लिए उनका वजन ज्यादा होना काफी खतरा माना जाता है। एक तो ये वजन ज्यादा होने से उनको कुछ दिखाई भी नहीं देता। ऊन के लिए कई बार हम भेड़ों को पालते हैं। पालतू भेड़ों के मुकाबले जंगली भेड़ों में ऊन काफी लंबे समय तक नहीं आता और उनको ये बनने में भी काफी टाइम लगता है। पालतू भेड़ों में ऊन काफी तेजी से उगता है और उनके शरीर में निकालने की व्यवस्था हम इंसान ही करते हैं। दिक्कत तब हो जाती है जब कोई भेड़ 3 से 4 साल तक जंगलों में भटकती रहे। ये वाक्य एक ऑस्ट्रेलियाई भेड़ के साथ हुआ था जिसका नाम क्रिस है। क्रिस लगभग 3 से 4 साल जंगलों में ही भटकती रही और उनके शरीर पर न ऊन जमा हो गया कि उनको चलने और देखने तक की दिक्कत होने लगी थी। क्रिस के शरीर पर करीब 40 किलो ऊन जमा हो गया था जो उनके लिए एक मुसीबत बन चुका था। वहाँ के लोगों ने क्रिस को ढूंढा और उनके शरीर पर से ये ऊन निकाला। क्रिस जैसे भेड़ों को जो ऊन के लिए पाला जाता है वही ऊन उनकी मौत का कारण भी बन सकता था। अगर सही समय पर वो लोगों को नहीं मिलती तो आज क्रिस का हाल कुछ और ही होता। जिस ऊन के कारण क्रिस मशहूर हुई वही ऊन इसके लिए जान का जोखिम बन जाता। घोड़ों में अक्सर कई बार एक जगह पर रहने के कारण उनके नाखून काफी बढ़ जाते हैं। ये नाखून उनको चलने फिरने में काफी दिक्कत पहुंचा सकते हैं। कुदरती तौर पर ये नाखून चलने फिरने के दौरान घिसते रहते हैं, तब ये इतना नहीं बढ़ पाते। पर अगर कोई पालतू अवस्था में कोई घोड़ा ज्यादा दिनों तक एक ही ठिकाने पर बंधा रहे तो ये नाखून काफी बढ़ सकते हैं। बड़े हुए नाखून घोड़े के लिए काफी दिक्कत पहुंचा सकते हैं। चलने फिरने के दौरान ये किसी भी चीज से टकरा सकते हैं और ये टकराव एक दर्दनाक पीड़ा में तब्दील हो सकता है। आमतौर पर मालिकों को अपने घोड़े और अपने पालतू जानवरों को सही से देखभाल की आवश्यकता होती है, पर कई बार कुछ ऐसी चीजें भी सामने आती है जिस पर भरोसा करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, जैसा कि इस वीडियो में दिखाई देता है। मधुमक्खियाँ अपने छत्तों के लिए हर बार कड़ी मेहनत और कई ऐसे खतरों का भी सामना कर सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते। मधुमक्खियों का डंक उनके लिए एक हथियार साबित हो सकता है और हमारे लिए एक खतरा, पर ज्यादातर देखे तो मधुमक्खियों का ये डंक उनके लिए मौत ही साबित होती है। मधुमक्खियों को ये लगे कि उनके छत्ते पर कोई हमला कर रहा है तो ये तुरंत एक्टिव हो जाती है। हमला करने के दौरान सैनिक मधुमक्खियाँ अपना डंक किसी भी जीव पर छोड़ देती है। छोड़ने के दौरान मधुमक्खी कुछ ही मिनटों में मर जाती है। बात यही है कि जो डंक उनके लिए सुरक्षा करता है वही डंक हमारे लिए दर्दनाक हो सकता है और बाद में मधुमक्खियों के लिए वही डंक मौत का कारण भी बन जाता है। काकापो ये एक ऐसा तोता है जो उड़ नहीं सकता। ये न्यूजीलैंड के जंगलों में पाया जाता है। जब तक इंसान वहाँ पर मौजूद नहीं था तो ये वहाँ पर बहुत तादाद में पाए जाते थे। इस तोते की न उड़ने की काबिलियत थी उनके लिए भारी नुकसान साबित हुई। इनका विकास जिस टापू पर हुआ है वहाँ पर उसका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं था। जब इंसान की तादाद वहाँ पर बढ़ी तो कुत्ते और बिल्लियों जैसे कई छोटे जानवर इसका शिकार करने लगे। अब आप समझिए कि जो तोता उड़ ही नहीं सकता वो इन शिकारियों का सामना कैसे कर सकता है। यही दिक्कत के कारण इस जीव का अस्तित्व अब खतरे में पड़ गया है। जो काबिलियत उसे हजारों सालों तक जीने के लिए मदद करती रही वही काबिलियत अब उसे इस समाज में टिकाए रखने के लिए भी काम नहीं आ रही। अजगर या कहे पाइथन, जो बात अजगरों और सांपों को खास बनाती है वो है उनका ठंडा खून और उनका धीमा मेटाबॉलिज्म। अगर कोई अजगर या सांप कोई शिकार कर ले तो उन्हें महीनों या हफ्तों तक कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी यही अंदरूनी शक्ति कई बार उनको मुसीबत में डालती रहती है। जैसा कि एक सांप कोई बड़े शिकार को निगल ले तो वो कभी भी तेजी से दौड़ या आगे पीछे हिल ही नहीं सकता। उनका शरीर उस शिकार को कई हफ्तों तक उनके अंदर ही रखता है। इसी वजह से पकड़ा हुआ शिकार भी सांप को कई बार निकलना पड़ता है। जो काबिलियत सांप को कई महीनों तक बिना खाए रख सकती है वही काबिलियत उन्हें कुछ ही मिनटों में उस शिकार को छोड़ने पर मजबूर भी कर सकती है। तो आप समझिए कि कोई भी जीव के लिए कोई भी शक्ति परफेक्ट नहीं होती। हर जीव में कुछ न कुछ खामी जरूर रहती है और समय के साथ वो जीव उस खामियों से लड़ता रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।